हेलो बच्चों, क्यूबेसिक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, और जी इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि नंबर को चेक करेंगे, ये नंबर प्राइम है या नहीं है। और प्राइम नंबर का डिफिनेशन जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन इज नोन एज ए प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर वो संख्या को कहेंगे जो खुद से विभाजित होगा या फिर सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सी एल एस लिखूंगा मैं, और उसके बाद यूजर को मैं वो नंबर इनपुट करने के लिए कहूंगा जो वो चेक करवाना चाहता है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। इनपुट के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, और फिर एक वेरिएबल जिसमें जाकर ये नंबर स्टोर होगा, ठीक है। तो वो वेरिएबल मैंने लिया n, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में एक काउंटर सेट करेंगे हम लोग c इक्वल टू जीरो, इसका यूज मैं बताऊंगा प्रोग्राम के एंड में। पहले देखिए यहाँ पे फिलहाल c इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल लिया हूँ, उसका वैल्यू मैं क्या रखा हूँ, जीरो रखा हूँ। और उसके बाद अब जैसा कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोगों को लूप का यूज करना पड़ेगा, मैं इसमें फॉर नेक्स्ट लूप का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल फिर से ले रहा हूँ फॉर आई इक्वल टू वन टू एन। वन टू एन का मतलब क्या होगा, देखिए ये कितना बार लूप करेगा, ये एन तक लूप करेगा। एन क्या है, एन वो वैल्यू है जो यूजर से हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि यूजर अगर फाइव देता है तो ये कितने बार रिपीट होगा, फाइव बार रिपीट होगा। अगर यूजर टेन देता है तो टेन बार, सौ देता है तो सौ बार, अगर दो सौ देता है तो दो सौ बार, ठीक है। इंटर, उसके बाद में हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, इफ एन और उसके बाद एम ओ डी मोड। अब ये मोड क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। मोड फंक्शन का काम क्या है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मोड आई, ठीक है। तो जब कोई नंबर आई के, जैसे जो नंबर फाइव दिया गया, मान लीजिए कि फाइव एक नंबर है, और जब उसको हम अगर किससे डिवाइड कर रहे हैं, आई से, मतलब वन से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा जीरो। जब भी रिमाइंडर जीरो मिलता है, देखिए हर केस में जीरो नहीं मिलेगा, ये उसी केस में हम लोगों को जीरो मिलेगा अगर वो नंबर पूरा तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ही हम लोगों को जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एन मोड आई इक्वल टू जीरो, अगर उसका वैल्यू जीरो मिलता है देन सी इक्वल टू सी प्लस वन। तो देखिए सी का वैल्यू जो है वो कितना है, सी इक्वल टू जीरो है। तो जैसे ही सोचिए एक बार जीरो मिला तो यह क्या कर देगा, उसको उसमें वन ऐड कर देगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर दूसरी बार अगर मिलता है तो फिर सी में वन ऐड कर देगा, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो जितनी बार भी अगर जीरो मिलता है तो क्या होगा, ये सी का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, नेक्स्ट आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई मतलब ये रिपीट होते रहेगा। और उसके बाद नीचे में हम लोग क्या कह रहे हैं इससे, कि अगर सी का वैल्यू इक्वल टू टू हो जाता है, अगर सी का वैल्यू इक्वल टू हो जाता है, देन प्रिंट, पी आर आई एन टी, प्रिंट नंबर इज प्राइम, नंबर इज पी आर आई एम ई प्राइम, ठीक है। और C का वैल्यू अगर टू नहीं होता है, अगर C का वैल्यू दो नहीं होता है, तब ये प्रिंट क्या करेगा, एल्स इट विल प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इफ को एंड कर देंगे, एंड इफ देन प्रोग्राम को भी एंड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ F5 से, यहाँ पे एल्स विदाउट इफ, एल्स विदाउट इफ तो नहीं, यहाँ पे हमारा इफ तो है, इफ देन, इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, इफ
then ठीक है, और उसके बाद में else है, ये else जो है ठीक है, print अभी मैं F5 दबाता हूँ, देखिए अभी काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं number देता हूँ 5, तो 5 prime number है, देखिए दिखा रहा number is prime। और अगर मैं यहाँ पे फिर से compile करता हूँ और मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, तो देखिए दिखा रहा है number is not prime, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, चलिए बच्चों इस प्रोग्राम को और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोगों ने 5 को इंटर किया, ठीक है, एक बार हम लोगों ने 5 को इंटर किया और एक बार हम लोगों ने 6 को इंटर किया, ठीक है। जब हम लोग 5 को इंटर किए तो दिखाया नंबर इज प्राइम, और 6 को किए तो दिखाया नॉट प्राइम। ये काम कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए दो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने सेट किया था सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये कब इंक्रीमेंट होगा, ये कब इंक्रीमेंट होगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन मोड आई, एन मोड आई। अब एन मोड आई मतलब क्या होगा, देखिए आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर में। जैसे कि अभी यहाँ पे 5 है, तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लूप है कितनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा। पहला बार क्या होगा, एन मोड आई, एन मोड आई मतलब क्या होगा, 5 मोड आई, आई कितना है 1 है। उसके बाद फिर क्या होगा, 5 मोड 2, फिर क्या होगा, 5 मोड 3, फिर क्या होगा, 5 मोड 4, फिर क्या होगा, 5 मोड 5। अब ये 5 मोड 1 5 मोड 2 है क्या, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 को अगर हम लोग 5 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, जब डिवाइड, जब ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वल टू 0 चेक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब जब इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तभी ये C का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 को, तो C का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो C का वैल्यू था कितना, 0 प्लस 1, मतलब अभी C का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 5 को 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 5 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स ये इक्वल होगा, बाकी सब नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है, बाकी सब नॉट इक्वल टू 0 हो जा रहा है। बस दो बार ही यहाँ पे इक्वल टू 0 हुआ है, तो फिर C का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। C का वैल्यू फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ तो 1 था, अभी C का वैल्यू कितना है, 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, C प्लस 1, तो C का वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। बात समझिए, स्टार्टिंग में C का वैल्यू 0 था तो इसीलिए यहाँ पे 0 प्लस 1 हुआ, बट अभी C का वैल्यू कितना हो गया था, 1 हो गया था। और फिर एक बार हम लोग का ये जो कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हो गया, C इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया। और नीचे में हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन दे रखा था, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे रखा था कि अगर C का वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा, अगर C का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज प्राइम प्रिंट हो, नंबर इज प्राइम प्रिंट होगा, नंबर इज प्राइम प्रिंट हुआ, ठीक है। और अब दूसरा समझते, 6, जब 6 हुआ तो उसी प्रकार से फिर ये सारा चीज रिपीट हुआ, ठीक है, उसी प्रकार से ये सारा चीज रिपीट होगा। यहाँ पे जो हमारा लूप था वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका 6 तक जाएगा। तो कैसे होगा ये वाला भी, पहले यहाँ पे नंबर क्या है अभी, 6 मोड 1, फिर 6 मोड 2, फिर 6 मोड 3, फिर 6 मोड
4, फिर 6, mod 5 और फिर 6, mod 6। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बार 0 से इक्वल हो रहा, देखिए पहला बार होगा C का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 0 प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे भी डिवाइड होगा, 2 से भी 6 डिवाइड होता तो फिर ये 0 के साथ इक्वल होगा। अब C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा C 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी यहाँ नॉट इक्वल टू होगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि 5 और 4 से डिवाइड नहीं होता 6, मगर 6 6 के साथ डिवाइड होता है तो फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो अभी हम लोगों ने कंडीशन दिया था कि जब C का वैल्यू 2 हो, जब C का वैल्यू सिर्फ क्या होना चाहिए 2 होगा तभी ये नंबर इज प्राइम डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज उसके लिए दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ दे रखे थे कि नंबर इज आपका नॉट प्राइम, ये वाला लाइन ठीक है, नंबर इज नॉट प्राइम। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई नंबर ऐसा डालेंगे जिसका सिर्फ दो मल्टीपल निकले तो कौन सा प्रिंट होगा, नंबर इज प्राइम प्रिंट होगा, और अगर दो से ज़्यादा निकलता है तो कौन सा प्रिंट होगा, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।